टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी तो इस चैप्टर का टाइटल ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और हमें डेमोक्रेसी चाहिए क्यों हमारी कंट्री खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ठीक है तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नहीं या इलेक्शन सर बताते कि एक कंट्री डेमोक्रेटिक है या फिर और भी क्राइटेरियाज़ होते हैं या हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंट्री जो इलेक्शंस कर भी रही है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं या फिर वो सिर्फ डेमोक्रेटिक होने का दिखावा कर रही है और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी हमें डेमोक्रेसी चाहिए क्यों क्यों दुनिया भर में इतना सपोर्ट है डेमोक्रेसी का और जो डिक्टेटरशिप्स भी जिन कंट्री में वो भी चाहते हैं कि उनकी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए तो ये सब चीज़ें हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं राइट वट इज़ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या है वॉट आर इट्स फीचर्स उसके फीचर्स क्या हैं दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी ये चैप्टर एक डेमोक्रेसी के सिंपल डेफिनेशन पे ही बना हुआ है और स्टेप बाय स्टेप हम मीनिंग निकालेंगे इस डेफिनेशन के हर एक पार्ट की द एम हेयर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस चैप्टर में बेसिकली हम ये अब मिनिमम ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे जो कि एक कंट्री एक गवर्नमेंट को या फिर एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाते हैं ठीक अब इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आप सबको क्या पता चलेगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कैसे डिफ्रेंशिएट करें और चैप्टर ख़त्म होने के बाद वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम डेमोक्रेसी के ब्रॉडर आइडिया को देखेंगे मतलब आपको एक इंट्रोड्यूस कराया जाएगा डेमोक्रेसी के ब्रॉडर आइडिया के बारे में डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही बात है डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में छाई हुई है हर कंट्री एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनना चाहती है और जो जहाँ डिक्टेटरशिप से वो लोग भी चाहते हैं भाई कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही उन पर रूल करे राइट वट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स कुछ तो ऐसा खास होगा ना डेमोक्रेसी में जो सारी अदर गवर्नमेंट से उसको अच्छा माना जाता है तो सेकेंड बिग क्वेश्चन क्या बनता है कि आखिर है क्या ऐसा डेमोक्रेसी में जो सब अपनाते हैं इसको वाई डेमोक्रेसी क्यों ही डेमोक्रेसी अपनाते हैं सब राइट अब जितना अब तक आपने डेमोक्रेसी के बारे में समझा पढ़ा जाना है बचपन से लेकर अब तक तो आपको एक एक्टिविटी दी हुई है हाँ यू हैव तो टू मेंशन फ्यू एग्जांपल्स Mentioning few examples, write down some common features of democratic governments and non-democratic governments. On features. A simple definition. Let us get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called as democracies. One simple factor common to all democracy is that. द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल तो अब हम डिफरेंट डेमोक्रेसीज को कंपेयर करने में इंटर हो रहे हैं तो बेसिक डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है हर डेमोक्रेसी में ये कॉमन होता है कि जो रूलर होता है उसे लोग इलेक्ट करते हैं ठीक है बाय द पीपल वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल दिस इज अजफुल स्टार्टिंग पॉइंट This definition allows us to separate democracies from the government that are clearly not है ये तो सबसे पहला सबसे बेसिक कि अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है अगर लोग इलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो, तो आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो ही नहीं तब तो आप अलग ही हो जाओ अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल दोज हुपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री तो म्यांमार का एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पे हमेशा मिलिट्री रूल होता है then people had no say in this decision. Dictators like Pinochet in Chile are not elected by the people. This also applies to monarchies. Dictators, monarchies जिसमें लोग नहीं इलेक्ट करते, वो सब तो नॉन डेमोक्रेटिक हुईं. सऊदी अरेबिया के जो राजा मराज़े हैं, ठीक है, not because the people have chosen them to do so, but बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू अ रॉयल फैमिली रॉयल फैमिली का जो राजा है वही रूल कर रहा है दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकट इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अन थिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स इलेक्शन अ डेमोक्रेसी तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या हर एक गवर्नमेंट जो इलेक्शन होल्ड करती है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वैसा नहीं है ठीक है that would be very misleading as we shall find out in chapter 3 every government in contemporary world wants to be called a democracy even if it is not so that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one we can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government ठीक है तो हमें सिर्फ इस डेफिनेशन से स्टिक नहीं होना चाहिए नहीं तो हम मिसगाइड हो जाएंगे और हम हर एक डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक कहने लगेंगे तो ऐसा नहीं है फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी हमने स्टार्ट किया था एक सिंपल डेफिनेशन से दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल दिस रेजेज मेनी क्वेश्चन हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन ठीक है विच ऑफिशल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी विच इलेक्टेड ऑफिशल्स इन अ डेमोक्रेसी वट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो पहला तो रूलर रूलर कौन होगा ठीक है फिर दूसरा इलेक्शन कैसे इलेक्शन हो रहे हैं ठीक है थीके? कौन सी कंडीशंस जो हैं वो इलेक्शन में फुलफिल होनी चाहिए तब जाके वो एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री आएगी ठीक है थीके?

वट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स टू द सिटीजन्स लेट इस कंसिडर ईच ऑफ दीज़ क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स पहला एग्जाम्पल है मेजर डिसीजन्स बाय इलेक्टेड लीडर्स ये पहले फीचर होती है डेमोक्रेसी की जो आप कहीं नोट्स नोट्स बना रहे हो तो लिख भी सकते हो कि पहली एक जो मेजर मेजर uh, डिसीजंस होते हैं कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री में वो इलेक्टेड लीडर्स ही बनाने बन, को ही बनाना चाहिए लेकिन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशरफ लेड अ मिलिट्री ग्रुप इन अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी नाइन ही ओवर थ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री तो आप स्टेप्स याद करिएगा अक्टूबर ना, नाइनटीन में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ़ ने जो एक मिलिट्री कूप किया जिससे जो ओरिजिनली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटाया और ख़ुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया कंट्री का फिर उसने अपनी रेजिग्नेशन चेंज की और प्रेसिडेंट बन गया और में उसने एक रेफरेंडम बनाया रेफरेंडम क्या होता है रेफरेंडम होता है कि जब हम एक एक ऐसा वोट करते हैं जिसमें लोगों को या ना में जवाब देना होता है ठीक है इन द कंट्री दैट ग्रांटेड फाइव ईयर एक्सटेंशन मतलब कि क्या परवेज मुशरफ को आगे पाँच साल और के लिए वो प्रेसिडेंट रह सकता है तो वो रहा ही बट पाकिस्तानी मीडिया और ह्यूमन राइट द रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन मार प्रैक्टिस एंड फ्रॉड्स फिर अगस्त टू थाउजेंड टू में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जिससे कि क्या हुआ जिससे कॉन्स्टिट्यूशन उसने पाकिस्तान का अमेंड किया एंड इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग द प्रेजिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ होती हैं नेशनल मतलब जैसे अपने देश में नेशनल असेंबली कौन सी है लोकसभा है ठीक जो इलेक्टेड की अगर मैं बात करूँ प्रोविंशियल में कौन है विधानसभा थी? तो उसको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं कि नहीं तुम नहीं हो मतलब तुम एम नहीं हो हमारे देश के तुम एम नहीं हो द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिस अभी क्या बना है अब जो सिविलियन कैबिनेट था उसको भी वो भी कौन सुपरवाइज करा था वो भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज करा था जो खुद उसमें कौन डोमिनेट कर रहे थे मिलिट्री ऑफिसर्स डोमिनेट कर रहे थे इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली सो पाकिस्तान हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पार बट द फाइनल पार रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज़ परवेजा ये आया पॉइंट ठीक है कि अब इलेक्शन हो रहा है ठीक है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं लेकिन पावर किसके हाथ में डिसीजन्स uh, बनाने की जनरल परवेज मुशरफ के हाथ में और मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में जो कि इलेक्टेड नहीं थे क्लियरली देर आर मेनी रीजंस फॉर पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशरफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी बट लेटस्ट फोकस ऑन वन ऑफ दिस कैन वी सी दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल इन पाकिस्तान नॉट क्विट पीपल मे हैव इलेक्टेड देर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल प्रोवेंशियल असेंब्लीस बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिवर नॉट रियली रूलर्स अच्छा वो रूलर्स भले इलेक्ट किए हैं लोगों ने पर वो रूल थोड़ी हैं मेजर पॉलिसीज़ कौन बना रहा है वो तो मिलिट्री वाले बना रहे हैं जिनको इलेक्ट ही नहीं किया लोगों ने दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन द पार टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशर्स एंड जनरल परवेज मुशरफ and none of them were elected by the people this happens in many dictatorships and monarchies they formally have an elected parliament

कि इलेक्शन तो होते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं लेकिन मेजर डिसीजन कौन लेता है मेजर डिसीजन लेते हैं वो जो कि इलेक्ट ही नहीं हुए लोगों के द्वारा ठीक है तो इलेक्शन हो रहा है ठीक है बट रूलर कौन है रूलर तो वो है ना जो इलेक्ट होके नहीं आया पर वो फिर भी रूल बना रहा है पूरी कंट्री के लिए तो हमें ये जानना जरूरी है कि एक डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो उसके हाथों में होनी चाहिए जो एक इलेक्टेड पर्सन है ठीक है इसलिए हमारे कंट्री में देखो लोकसभा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है राज्यसभा के कम्पेरिजन में या फिर विधानसभा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है विधान परिषद के कम्पेरिजन में राइट दिस वॉज ऑल अब सेकेंड टॉपिक के लिए आई एल मेक सेकेंड वीडियो दिस वॉज पार्ट वन ओके